उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी जिले की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्वाति गर्ग ने बताया कि 23 जून को हमारे पास सूचना मिली थी कि एक राजेश मसाला ब्रांड के जो मसाले हैं उनके मिलावटी सामान को बेचने के लिए 3-4 लोग इकट्ठे हुए हैं। उन लोगों को बुलाकर उनके पास जो सामान था उसको देखा गया और तहकीकात की गई। इसी के साथ राजेश मसाला की फैक्ट्री के व्यक्ति ने ही तस्दीक कराई गई तो पता चला कि वह सामान नकली है जिसको बेचा जा रहा है। इसी क्रम में हमारे द्वारा थाना अमेठी में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था 23 तारीख को, जिसमें नीरज, राधेश्याम, राशिद और अमजद नाम के 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद उन्हीं लोगों से आगे की पूछताछ की गई तो उन लोगों ने एक नाम राजेश गुप्ता का बताया जो बनारस का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि उन्हें होलसेल में सप्लाई राजेश गुप्ता के द्वारा दी जाती है। इसके उपरांत हमने अपनी SOG टीम को एक्टिव किया तथा थाने की पुलिस को सचेत किया। जब इसकी पूरी चेन हम लोगों ने कनेक्ट की तो पता चला बनारस से राजेश गुप्ता ने अपनी एक फैक्ट्री इंस्टॉल की है। उसी फैक्ट्री में नकली मसाला एवं कुछ केमिकल्स मिलाकर जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उन मसालों को मिलाकर अलग अलग ब्रांडिंग का काम करते हैं। इन्होंने पहले कुछ वर्षों में टाटा कंपनी के नमक का डुप्लीकेट माल बेचा है और घड़ी तथा अशोक मसाला का भी नकली सामान बेचा है। अभी राजेश मसाला के ब्रांड का नकली सामान इसमें बेचा जा रहा था, उसी में से हमने इनके कुछ मजदूरों सहित कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें फैक्ट्री का मालिक राजेश गुप्ता भी शामिल है। इसमें बनारस की ज्वाइनिंग की फैक्ट्री है जिसकी कीमत 25-30 लाख रुपए की है, उसको सील कर दिया गया है। करीब 10 लाख रुपए के सामान को इनके रिनेमिंग पैकेज इत्यादि के सामान से उनको हमने वहां से सीज किया है। इसी के साथ ही नकली सामान, नकली मसाला और कुछ पैक मटेरियल हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें थाना अमेठी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। यह राकेश गुप्ता के ऊपर क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। अमेठी से रणविजय सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। क्या है पूरा पकड़? ये बनारस में एक राकेश गुप्ता नाम का व्यक्ति है जो डी हर ब्रांडेड आइटम का डी बनाने का मास्टर माइंड है। आज के 1.5 साल पहले भी हम लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी। उस समय DGP से शिकायत के बाद बनारस पुलिस ने छापा मारा था, जिसमें टाटा नमक के साथ साथ एवरेस्ट मसाला और हमारे मसाले का भी डी पकड़ा गया था। इसको पुलिस ने जेल भेजा, लेकिन ये 2 महीने बाद ही जेल से छूट के आया और फिर ये उसी धंधे में लिप्त हो गया। अभी 5-6 दिन पहले कुछ लोग अमेठी में मसाला बेचने आए और जिस रेट हम मसाला बेचते हैं उससे काफ़ी कम भाव में दुकानदारों को इन्होंने बेचने के लिए बात कही। उन दुकानदारों ने तत्काल मुझे फ़ोन किया और इनका मसाला देखने के बाद डुप्लीकेट पाया गया, तो मैंने पुलिस को, स्थानीय पुलिस अमेठी कोतवाली को हमने सूचित किया। कोतवाल ने इनको, 2 सेल्समैन को पकड़ा और उसके बाद इस पर गहन छानबीन हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अमेठी जनपद की कप्तान को, उन्होंने इसको बहुत सीरियस टेकअप किया और SOG लगाया और अमेठी पुलिस को उसमें इन्वॉल्व किया और इसकी गहन छानबीन के बाद बनारस में इसका पूरा कारखाना, मसाला भरने की मशीन सबको इन लोगों ने बरामद किया। और मैं समझता हूँ यह समाज के लिए बहुत बड़ा एक तोहफा समझिए। समाज का व्यक्ति ब्रांडेड आइटम खरीदता है कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने अच्छे स्वाद के लिए हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, और ये नकाल लोग उसमें गलत सामान भर करके अपने फायदे के लिए जनता के, आम जनता के स्वास्थ्य और उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं समझता हूँ इनके साथ आजीवन कारावास या फांसी इनको होना चाहिए। ये बहुत हजारों लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। कौन से ब्रांड का ये नकली बनाकर बेच रहे? जो मुझे अब तक जानकारी हुई है, अभी मेरे राजेश मसाला का रैपर और मसाला पकड़ा गया है। आज के 1.5 साल पहले यही व्यक्ति जब पकड़ा गया था तो उसके बाद टाटा नमक, एवरेस्ट मसाला, राजेश मसाला सहित कई नामी गिरामी ब्रांडों के मसाले पकड़े गए थे। यह इतना बड़ा सातिर, इतना बड़ा सरगना है
कि मसाला जिस चीज में पैकिंग मटेरियल में भरा जाता है उसका भी कारखाना लगाया है, पिसाई का भी इसके पास इंतजाम है, पैकिंग का भी इंतजाम है, और पूरे प्रदेश में ये अपने चुने हुए गलत काम करने वाले लोगों का एक रैकेट खड़ा किए हुआ है, और ये पूरे प्रदेश में इस तरह ब्रांडेड आइटमों की डुप्लीकेसी माल को वितरित करवाता है और मोटा पैसा कमाता है और जनता को मरने के लिए छोड़ देता है। देखिए, ये 23 जून को हमारे पास एक सूचना मिली थी कि एक राजेश मसाला ब्रांड के जो मसाले हैं उनमें कुछ मिलावटी सामान को बेचने के लिए कुछ 3-4 लोग इकट्ठे हुए हैं। तो उन लोगों को बुलाकर उनसे ये जब तहकीकात की गई तो उनके पास जो सामान था वो जब हम लोगों ने देखा और राजेश मसाला की फैक्ट्री के ही एक व्यक्ति से जब उसकी तस्दीक कराई गई तो पता चला कि वो जो सामान है वो नकली सामान बेच रहा है। इसी क्रम में हमने 23 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया था थाना अमेठी में, जिसमें 4 लोग धीरज, राधेश्याम, आसिद और अमजद 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। और उसके बाद उन्हीं लोगों से फर्दर पूछताछ करने पर कि ये सामान कहाँ से उन लोगों को मिला, तो उन्होंने एक राकेश गुप्ता का नाम बताया जो बनारस के रहने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि उनको ये होल सेल बल्क में सप्लाई राजेश गुप्ता की फैक्ट्री के यहाँ से हुई थी। उसके बाद हमने अपनी SOG को सक्रिय किया और थाने की पुलिस को सक्रिय किया और इसकी पूरी चेन हम लोगों ने कनेक्ट की, तो पता चला कि बनारस में राकेश गुप्ता ने अपनी एक फैक्ट्री स्टॉल की हुई है और उस फैक्ट्री में ही वो नकली मसाला और उसमें कुछ केमिकल्स मिला के जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उनको मिलाकर वो अलग अलग ब्रांडिंग का काम करते थे। इन्होंने पहले कुछ वर्षों में टाटा कंपनी के नमक का भी इन्होंने नकली सामान बेचा है और घड़ी का भी, अशोक मसाला का भी इन्होंने नकली सामान बेचा है, और अभी प्रेजेंटली ये राजेश मसाला के ब्रांड को जो है नकली तरह से इसमें नकली सामान को बेचा जा रहा था। उसी में हमने इनके कुछ लेबर्स को, टोटल 11 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, जिसमें फैक्ट्री का मालिक राकेश गुप्ता भी शामिल है। इसमें बनारस में जो इनकी फैक्ट्री है लगभग 25 से 30 लाख के बीच की जिसकी कीमत है उसको सील किया गया है और लगभग 10 लाख रुपए का सामान और इनके पैकेजिंग और रीनेमिंग और प्रिंटिंग के जो यंत्र हैं, जो मोबाइल यूनिट्स हैं इनकी, उनको वहाँ से हमने सीज किया है। साथ ही जो नकली सामान था, नकली मसाला और कुछ नकली पैक मटेरियल भी हम लोगों ने बरामद किया है इसमें, और मुकदमा इसमें थाना अमेठी में पंजीकृत किया है। ये राकेश गुप्ता है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, 2006 में भी इनके ऊपर इसी तरह से मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उस वक्त ये एक वर्कर की तरह से उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, फिर उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय इसमें टेक ओवर किया और 2019 में भी इनके ऊपर बनारस में ही एक मुकदमे में चार्जशीट हुए थे। ये अभी हाल ही में जनवरी में फिर इन्होंने अपना ये कारोबार दोबारा शुरू किया था और अमेठी पुलिस ने और SOG ने इसमें बहुत ही सराहनीय काम किया है, जिसके लिए मेरी तरफ से भी उनको नगद पुरस्कृत किया जाएगा। इसकी जो मैम सही ओरिजिनल राजेश मसाला था, उनकी तरफ से भी कोई शिकायत की गई थी पुलिस में या फिर पुलिस ने ही अपनी जांच में जो है? हम लोगों को उनकी तरफ से भी ये मिला था कि हो सकता है कि कुछ ऐसे यहाँ पर विक्रेता आ गए हों जो मेरी तरफ से या मेरी फैक्ट्री के माध्यम से अधिकृत नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा सक्रियता बढ़ा के चेक कराइए। तो जब हमने चेक कराया था तब 23 जून को ही हम लोगों को ऐसे 4 विक्रेता मिले थे जो कम अमाउंट का सामान दुकानों पे और पब्लिक के लोगों को बेच रहे थे। वही 4 लोगों को हमने तब गिरफ्तार किया था और उन्हीं से पूछताछ के बाद हम लोगों ने